किसान सम्मान निधि योजना से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। लॉकडाउन के बावजूद वैशाली में किसानों के हौसले बुलंद हैं। सम्मान निधि से मिले पैसों से किसान इन दिनों अपने खेतों में फसल उपजा रहे हैं। एक रिपोर्ट में खेत में लगी लहलहाती फसलों को देखकर किसानों के चेहरे खिल गए हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस साल पिछले साल के मुकाबले बंपर फसल होगी। इन लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी, लेकिन किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिले पैसों ने उनकी इज्जत बचा ली। लॉकडाउन के दौरान किसान सम्मान निधि योजना से प्रत्येक किसान को मार्च से लेकर अगस्त तक में 4,000 रुपए मिल चुके हैं और इन्हीं पैसों की बदौलत ये अपने खेतों में दोबारा फसल उपजाने का साहस कर सके हैं। 2,000 रुपया मुझे आया है, एक दो किस्त आया है 2,000 का, और हम नर्सरी का कारोबार करते हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। जिले के कृषि पदाधिकारी का कहना है कि जिले में अब तक 1,53,000 से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। जो किसान छूट गए हैं वह भी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 1,53,000 किसानों का आवेदन वेरीफाई करके डायरेक्टर के थ्रू दिल्ली तक भेजने का काम हम लोगों ने किया है। इसके अलावा जो किसान छूट गए हैं, जो अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, वो कॉमन सर्विस सेंटर या कहीं से भी जाकर ऑनलाइन हमारे कृषि पोर्टल पे, कृषि का जो साइट है उस पर जाके, डीबीटी साइट है उस पर जाके अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके यूं तो किसान हमेशा से फसलों के उत्पादन के लिए पूरी तरह से मानसून पर निर्भर रहते थे। कभी बाढ़ तो कभी सूखे की वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता था। किसानों की इस तकलीफ को कम करने के लिए प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिससे उनको आर्थिक सहायता मिले और उन्हें पूंजी के अभाव में किसी से कर्ज ना लेना पड़े। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।